नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। तो आज का जो सेशन या क्लास है वो राजस्थान जीके के लिए है। इससे पहले मैं जो है 5 वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ। ये 6 वीडियो है, तो 6 वीडियो है। तो उसमें जो डिस्कस करते हैं हम, तो वो करते हैं कि जो RSSB बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, इसके थ्रू जो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। लाइक जैसे कि मैंने इससे पहले जो मोस्टली जैसे PTA का पेपर हो गया, OTA का पेपर हो गया, या फिर इंडस्ट्री इंस्पेक्टर का पेपर हो गया, तो इन सभी पेपर को मैंने डिस्कस किया है। और मैंने बताया भी है कि कैसे क्या है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। लाइक जैसे आगे आने वाले एग्ज़ाम में है, जो लास्ट ईयर प्रीवियस या फिर रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुई है उसके अंदर से जो क्वेश्चन है फिर से रिपीट होते हैं। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है कि कैसे जो क्वेश्चन है वो एक महीने के अंदर या फिर नेक्स्ट महीने वाले एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो इसी तरह से कम 5 जो है पेपर डिस्कस कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। हालांकि राजस्थान जीके की तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन आपको जो है एक स्मार्ट स्टडी करनी है कि किस तरह से जो है जो पेपर आता है क्या लेवल है जो ये राजस्थान चयन बोर्ड जो एग्ज़ाम करवाता है। तो आज का जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है LDC का पेपर, जो कि 12 अगस्त 2018 को आता। ठीक है, तो ये इसमें जो कवर करेंगे केवल राजस्थान जीके का पोर्शन है वही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो आपने जीके तो पढ़ा ही होगा, तो सबसे पहले आप खुद आंसर दें, उसके बाद तो मैं आंसर बता ही दूंगी। खैर, और जैसे कि आपकी क्वेरी रहती है कि आप PDF भी अपलोड करें, तो ये तो PDF आप उसकी जो RSSB की साइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की भी दे रखी है। लेकिन इसका जो PDF अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे जो है वो अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसके लिए मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं इट इज़ नेहा के लिए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? कोटा में है। नेक्स्ट है, राजस्थान देश में डैश का एकमात्र उत्पादक है सोना, चांदी, ग्रेनाइट, टंगस्टन, जास्पर, सीसा और जस्ता तथा वॉलस्टराइट, तथा इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? जास्पर, सीसा और जस्ता तथा वॉलस्टराइट का एकमात्र जो है उत्पादक है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? 25 लाख से 5 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, 5 लाख से 2 करोड़ या फिर 2 लाख से 1 करोड़। तो उसकी जो सीमा है वो है 25 लाख से 5 करोड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस विद्युत परियोजना ने राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना, दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें जो सभी है उपरोक्त सभी वो सभी आंसर है, तो ऑप्शन डी। तो इसमें सभी में जो है पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है, भाखड़ा नांगल में भी, चंबल में भी, ब्यास में भी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर डी न ए और न ही बी। तो इसमें जो ऑप्शन है सी की ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, सिसोदिया, कछवाहा या फिर भाटी। तो भाटी राजवंश जो है जैसलमेर का वो इससे संबंधित है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल या फिर पृथ्वीराज प्रथम।
तो अजय राज जो है वो अजमेर शहर के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोन ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? हल्लीघाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, फिर गोगुंदा का युद्ध। तो दिवेर का जो युद्ध है उसे जो क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो प्रताप, केसरी, मराठा या फिर यंग इंडिया। तो जो प्रताप नाम का जो समाचार पत्र था उसके द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आजाद मोर्चा का संगठन कहाँ हुआ था? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो आजाद मोर्चा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जयपुर के अंदर। तो इस तरह के आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर याद रखें, क्योंकि इनकी जो रिपीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली जो है रिपीट होंगे। और इसके लिए जो है आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप खुद जो है जो पेपर जो है उनको मैच करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पहले इस एग्ज़ाम में आ चुका है। हालांकि जो मैं सीरीज़ तो चलवाई रही हूँ, जैसे कि आज सभी पेपर जो डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने इस वाले पेपर में भी देखा था और अब फिर से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? उमेद सिंह, हनवंत सिंह, गज सिंह या फिर विनय सिंह, सॉरी विजय सिंह। तो वो थे हनवंत सिंह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर मालवी। तो जो मालवी भाषा है उस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। नेक्स्ट है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो नेजा भील से है, तो उसमें कोड दिए गए हैं। तो नेजा, इंडोनी, तैरताली, वालर, तो भीम, कालबेलिया, गिरासिया या फिर कामर। तो उसमें कौन सा ऑप्शन जो है सुटेबल रहेगा वो बताना है। तो 63 में जो ए ऑप्शन है वो ये रहेगा कि ए में फर्स्ट नेजा और जो इंडोनी है, बी में दो और सी में फोर और डी में थ्री, ठीक है। जो वालर जो ये लोक नृत्य है वो किसके, नेजा भील का है, और जो इंडोनी है कालबेलिया का, तैरताली कामड़ का, और वालर जो है गिरासिया का, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में या फिर खेड़ापा में। तो सलेमाबाद जो है किशनगढ़ में वहाँ पे है इसकी मुख्य पीठ। नेक्स्ट है, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान, गला, हाथ या फिर अंगुली। तो ये जो आभूषण है वो कहाँ के हैं, कान के हैं। नेक्स्ट है, डैश जयपुर का परंपरागत शिल्प है? थेवा कार्य, ऊनी खादी, पेंटिंग्स या फिर ब्लू पोल्ट्री। तो जो ब्लू पोल्ट्री है वो परंपरागत शिल्प है, जबकि थेवा जो है प्रतापगढ़ का है। नेक्स्ट है, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? 1995, 1998, 2002 या फिर 2008। तो 2008 में जो है भामाशाह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर रेगुलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर इनमें से कोई नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आदर्श गांव पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है?
इनमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है, या फिर इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि। नेक्स्ट है यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है। या फिर ऑप्शन डी जो है यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है। तो उसमें ये बताना है कि कौन सा जो है सत्य नहीं है जो ये बात की गई है ऑप्शन डी में, यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन का साख उपलब्ध कराने का काम जो है आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था, 1982, 1990, 1994 या फिर 2000। तो 1994 में जो है इसको संशोधित किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना है, तो वहाँ लगी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो फिर भी देख लेते हैं। तो 36.50 लाख टन या फिर 35.30 लाख टन या फिर 36.30 लाख टन या फिर 35.50 लाख टन। तो जो बी ऑप्शन है 35.30 लाख टन, तो यह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महाराजा श्री उम्मेद मिल लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी, 1939 या फिर 1971, 1991 या फिर 2001। तो 1939 में ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके डैश कर दिया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, फिर राज्य कृषि सिंचाई योजना। तो ये कर दिया गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1973-74 में, 1984-85 में, 1996-97 में, 2001-2002 के बीच में। तो ये किया गया था 1973-74 के बीच में, ऑप्शन ए। तो 75 जो है वो डिलीट हो गया था, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पिंक बॉल वर्म जो हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है, कपास, रेशम, सरसों या फिर सेब। तो ये जो संबंधित है वो है कपास से। नेक्स्ट है दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल्स के लिए लागू हुआ, BS4, BS5, BS6 या फिर BS3। तो BS जो 6 है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध में से किससे है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल या फिर बृहस्पति। तो आदित्य जो है वो पर्यायवाची किसका है, सूर्य का, तो ये इससे संबंधित है, सूर्य से। नेक्स्ट है भारत की पहली जैव मिथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो टाटा, महिंद्रा, बजाज या फिर आयशर। तो टाटा के द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना गया है, तो 1999-2000, 1904-2005, 2011-12, 2009-10। तो जो आधार वर्ष है सूचकांक के लिए वो है 1999-2000। नेक्स्ट है निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, गेहूं की फसल को नुकसान, वाहन को एक्सीडेंट क्षति या फिर आग से घरेलू नुकसान। तो जो भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु है वो इससे अविका कवच बीमा
से संबंधित है इस योजना को। नेक्स्ट है केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया था? मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सॉरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये दिया गया था राजस्थान को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो ये किया गया था, स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो राजस्थान में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? अलवर, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? तो हालांकि ये उस टाइम जो है करंट का था, लेकिन अब जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पहले मेगा फूड पार्क बन गया है, तो पहली चीज़ जो है तो वो तो जीके में आएगी ही, तो उसको जरूर याद रखें, अजमेर। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपए का ऋण प्रदान करेगी? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 1.5 लाख? तो फिर 50,000, तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? ओम प्रकाश गालव, देवदत्त, कृपाल सिंह शेखावत या फिर बेनी राम सोनी? तो ओम प्रकाश गालव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा या फिर हनुमानगढ़? तो भीलवाड़ा का जो जो सिंबल है तो वो क्या है, शुभंकर बोल सकते हैं, तो मोर है। नेक्स्ट है अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? 1 लाख, 1.5 लाख, 51,000 या फिर 21,000? तो ये राशि जो है 51,000 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया? भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा या फिर भरतपुर? तो भीलवाड़ा में किया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम डिजिटल सॉरी आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? तो ये स्थित है बीकानेर में डिजिटल आर्काइव। नेक्स्ट है भारत के सांख्यिकीय एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए गए हैं? 20 राज्यों में, 15 राज्यों में, 14 राज्यों में फिर 18 राज्यों में? तो केवल 15 राज्यों में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 10 अप्रैल 2013, 9 जनवरी 2012, 14 जनवरी 2012 या फिर 26 जनवरी 2013? तो 9 जनवरी 2012 को ये घोषित किया गया था, 9 जनवरी 2012 को। नेक्स्ट है कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? सागवान, खेजड़ी, साल या फिर खेर? तो ये खेर जो वृक्ष है उससे ये कत्था निकाला जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जनजाति जनसंख्या के आधार पर तृतीय है? भील, मीणा, गराशिया फिर सहरिया? तो भील जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट पे जो है वो मीणा है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? मीट, दूध, चमड़ा फिर अंडा? तो दूध जो है वो मुख्य उत्पाद है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत
निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो उदयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर, केला देवी करौली, मंडोर जोधपुर, कोलायत बीकानेर? तो खेजड़ी जोधपुर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? सागवान, सालर, धोकड़ा या फिर पलास? तो जो सागवान के वृक्ष है वो वहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। 99 जो है वो डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है, शीशे दस्ते का एस कौन सा नहीं है? गैलेना, कैलामाइन, जिंकाइट या हेमाटाइट? तो हेमाटाइट जो है वो लोहे का है, ना कि शीशे दस्ते का है, तो ऑप्शन डी। तो ये थे एलडीसी में आए हुए राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए, या फिर आपने ये एग्ज़ाम दिया था, या फिर आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट करवाने वाला है ये बोर्ड, की लाइब्रेरियन का है या फिर पटवारी का है या फिर जो भी सारे नए एग्ज़ाम आने वाले हैं उन्हीं में से, तो ये आप जो हैं जितने भी जो पेपर करवाए गए हैं इस बोर्ड द्वारा, तो आप सारे सॉल्व करें, जिसमें भी आपका जो भी पोर्शन है सिलेबस का, लाइक अगर कंप्यूटर का पोर्शन है तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन भी सारे निकालें, राजस्थान जीके का भी सारा कवर करें। ऐसा नहीं कि आपको केवल उसी एग्ज़ाम के पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम के आपको प्रीवियस पेपर करने हैं, नहीं, आपको जो सारे पेपर ऑलराउंड जो सारे पेपर हैं उन्हीं का जो सभी में जो कोई कॉमन चीज़ है जैसे राजस्थान जीके, तो आपको सारा कवर करना है, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो जैसे कि मेरा जो मैंने 6 पेपर जो है डिस्कस कराया, इससे पहले मैं भी जो है और पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ जो पहले ये बोर्ड कंडक्ट करवा चुका है, तो आप वो देख सकते हैं। और इसके लिए जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आप जो है इसकी पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकें। तो ये आपको सीधा जो है टेलीग्राम पर जाके इट इज़ नेहा सर्च करना है, आपको जो है मिल जाएगा चैनल, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी राजस्थान जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर और राजस्थान जीके के लिए, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।